आज बन रही है ट्रेन के लिए आलू अचारी, ये ट्रेन की सब्जी है, एंड ये भी है भिंडी की कलौंजी, दोनों जाएगी ट्रेन में सफ़र के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैं फुल ब्लॉग डाल रही हूँ। तो हम लोग ट्रेन में पहुँच गए हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बहुत बाद। सो फ्रेंड्स, रात का सफ़र तो बीत ही जाता, आपको पता है कि शाम को हम लोग बैठे एंड दूसरे दिन दोपहर में हम पहुँचे थे। एक्चुअली आपको नहीं पता है, सो ये रास्ते का दूसरे दिन का है। और यहाँ पे मोनिश्का और मैं, हम लोग साइड लोअर सीट पे बैठ के बाहर थोड़ा व्यूज़ देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, एंड एक भी लोअर बर्थ नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ लीची मोनिश्का के साथ, मोनिश्का को भी खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। एक्चुअली उस समय लीची मोनिश्का को काफ़ी पसंद आ रही है, तो मैंने कहा चलो लीची खाते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं कोटा। कोटा पहुँचने के बाद फटाफट से घर जाएंगे भैया लेने। गर्मी इतनी ज़्यादा, 50% टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, एंड यहाँ पे सारे बच्चे और सब बड़े बैठे हुए हैं हम लोग। और लंच हो रहा है और लंच में खा रहे हैं मटर मशरूम, और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। पैसा दिया ना? हाँ, नकली दिया मेरे पन्ने का पैसा, नकली। सो रात में हम लोग ने पिया पन्ना, मैंने पन्ना बनाया था बहुत टेस्टी सा। देन नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में लगभग 12 बजे दोपहर में गए हेयर कटिंग कराने सैलॉन, भूमि, मैं और मोनिश्का। सो ये मेरे भी बाल पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने भी हेयर कटिंग कराई है, थोड़ा सा वी शेप दिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं, और नेक्स्ट डे हमें करनी थी 28 मई को शिफ्टिंग, 26 हम पहुंचे थे, 28 को शिफ्टिंग थी। सो बस, और ये हो गया पूरा। लगभग बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो चली गई, सारे बच्चे चले गए, बड़े चले गए, बस मैं और दीदी बचे थे। और हम लोग उस दिन ना दोपहर बाद नहाए थे क्योंकि सारा ऐसे फैला हुआ था। सो हम दोनों ही लोग गाउन में थे उस दिन, और सारे पैकर्स आ रखे थे, तो बस ये सामान सारा पैक हो रहा, कुछ चीज़ें बची हुई थी तो मैंने वही शूट किया है। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग अभी शुरू किया है, फुल ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जब से पापा गए ना उस तब से मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग वगैरह करने का, इसलिए। सो अब पापा के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है, तो बस अभी मैंने ये व्लॉग बना के रखा था ना, चलो अब फाइनली मैं इसको डाल देती हूँ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आया है एसी और गीज़र वगैरह निकालने के लिए। यहाँ पे सारा अभी किचन पूरा फैला हुआ है, सो बस यहाँ पे सारी चीज़ें पैक होते होते हो गई थी शाम। और हम खा रहे हैं आइसक्रीम क्योंकि बची कुछ जितनी चीज़ें थी फ्रिज में, आइसक्रीम, वाटरमेलन, फ्रूट्स जितने भी थे जो भी, तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े खाए क्योंकि हमने दिन भर फिर खाना नहीं खाया। शाम को भैया लेकर आए थे समोसा, तो हमने समोसा खाया, पहले तो आइसक्रीम खाई। और यहाँ पे मैं मोनिश्का के टॉयज थोड़ा अलग कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉय हैं अब शिफ्टिंग में, इधर उधर कितना जाएगा। और फिर मोनिश्का बड़ी भी हो गई है थोड़ी, तो जितनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉय थे, बहुत सारे एक्चुअली टॉय थे, तो सब मैंने हटा दिए हैं। सिर्फ सॉफ्ट टॉय हमने हटा दिए, मतलब ले गए हैं। और यहाँ पे देखिए हम खा रहे हैं समोसा, चटनी थोड़ा सा शूट किया था वो भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। और बस उसके बाद शिफ्ट करने के बाद, हमें शिफ्टिंग करते करते रात हो गई, तो ये शो मिला मोनिश्का का जो कि बहुत प्रिटी सा था, मैंने आई थिंक मीमी से लिया था क्या। जब शिफ्टिंग होती है तो कैसा होता है, पूरा खाली खाली, देखिए पूरा घर खाली हो गया है, सारी गंदगी गंदगी है। बस कल मैं सुबह आऊँगी यहाँ सफाई करवाने। खाली पौधे ही बच रहे हैं, पौधे। उधर का पौधा भी नहीं गया है ना, ना दीदी? अभी इधर भी एक फुट मैट है ना, ये वाला जाना देखो, छोड़ना है सब, फुट मैट, फुट मैट छोड़ना है, थोड़ा सा मेरा सामान है साथ में जाएगा। इधर भी पौधे चले गए, हाँ इधर के सारे पौधे चले गए, बस उधर का एक पौधा बचा, बाकी सब चला गया, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें, शू रैक वगैरह सब चला गया। इधर भी एक सूट है, ये भी तो है, ये तो बचा हुआ है। दीदी ये जाएगा ना, दीदी ये सब जाएगा ना, नहीं जाएगा?
तो आधे घर की चीज़ें चली गई, आधी हो रही हैं लोड। इसके बाद मैं और दीदी स्कूटी से निकल गए थे और ये हम पहुँच गए अपनी सोसाइटी, जो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सोसाइटी है। अच्छा पार्क है क्या इधर बच्चों का? तो यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे अब हम लोग शिफ्ट हुए हैं, और नीचे पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, गेमिंग एरिया भी है, मतलब आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर ही हैं। मतलब दीदी की सोसाइटी जहाँ दीदी रहेंगी, हमें तो फ़िलहाल इलाहाबाद चले जाना है 1 जुलाई तक। ये स्विमिंग पूल जो कि हमारे जस्ट बिल्डिंग के नीचे, और मनुष्का यहाँ पे डेफिनेटली आया करेंगी। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर होगा, सो इसको इग्नोर करिएगा फ़िलहाल। और बस, और अभी थोड़ा रात हो रखी थी इस वजह से थोड़ा मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, बट मैं दिन में आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे दीदी खड़ी है, हम लोग को स्विमिंग पूल का कुछ बात ही कर रहे थे कि हम लोग ब्याह करेंगे, मतलब जो भी पता नहीं क्या। और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर और जाकर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं, कौन सा फ्लैट है, फ्लैट कैसा है, वगैरह वगैरह। सो बस फटाफट से पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और हाँ, ये हमने ले रखी है झाड़ू, क्योंकि न्यू झाड़ू की ज़रूरत है न्यू घर में, तो ये हमने नीचे से झाड़ू ली। देन बस अब पहुँचते हैं, ये हमारा फ्लैट आने वाला है। बाबू दो न्यू किचन, यहाँ पे फ्रिज लगेगा ना? बंद है मेरा बच्चा, बंद है। आप मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाने जा रही हो? 2 ग्लास आपने पिया? एक पूरा एक आधा। वाव, अच्छा ये स्टोर रूम है क्या? स्टोर रूम से बदबू आ रही है। हाँ बेटा, थैंक यू। अच्छा कह रहा है स्टोर रूम से तो बदबू आ रही है। वाह कितना सुंदर लग रहा है सामान। हाँ बंद बंद की वजह से। ये अनुष्का दीदी कमरा है? नहीं ये वाला छोटा वाला अनुष्का दीदी का है, ये तो मानसी दीदी का है। अच्छा वाह, इसमें भी कबर्ड है, अभी सब सेट हो। ये है क्या अनुष्का दीदी का? अंदर आओ, बहुत अच्छा है, इससे मजा आएगा। ये अनुष्का दीदी का है? हाँ। कुछ महक रहा है। कर्टन नया लगा है क्या अनुष्का? नहीं पुराना। कर्टन लगा हुआ था क्या यहाँ पे? यहाँ पे लगा था। अच्छा ये बाथरूम है, सब बदबू मार रहा है, महक रहा है सब। ये बाथरूम सेट कर दी क्या? बाथरूम सेट हो गया? हाँ सही है, अच्छा की रख दी कुछ कुछ चीजें तो। गीजर सेट कर दिया क्या? नहीं इसमें लगा है गीजर दोनों में। अच्छा ये छोटा है कि बड़ा रूम है ये? अच्छा तो ये बालकनी है, सही तो है पेड़ रखने के लिए बालकनी? पेड़ वहाँ रखेंगे। कहाँ? सही है, ये तो दिल्ली जैसा लग रहा है, ऐसे ही मधु दीदी का सही है ना? हाँ बेटा। तो हम लोग पहुंच गए हैं और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी हमें, फिर ऊपर भाभी रहती हैं, उन्होंने चाय भिजवाई थी और बढ़िया बड़े बड़े कप भिजवाए थे, जिसमें हमने एकदम मन भर के चाय पी। एंड देन इसके बाद हमें शिफ्ट थोड़ा बहुत शिफ्ट उफ्ट किया, उसका शिफ्ट करते करते ये डिनर हम कर रहे हैं, पता है कब? रात के लगभग 1:30 बजे। एक्चुअली मुझे नहीं खाना था, बट मैंने सोचा चलो ठीक है पूरा दिन खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खा लेते हैं। डेफिनेटली इसके बाद मेरा वेट बढ़ ही गया था। सो यहाँ पे ऊपर में जेठ जी दीदी सोएंगी, नीचे मनोरमा जी सो रही, यहाँ पे साइड में मैं और मोनिश्का। सो दैट इज़ इट, आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।